सुबह की गर्मा गर्म चाय एंड दीज पराठास आर श्योर टू टैंटलाइज योर टेस्ट बर्ड्स विद देयर डिलिशियस फ्लेवर एंड टेक्सचर। फर्स्टली एक कढ़ाई लेनी है हमें और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल हल्का सा गर्म होते ही इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से राई के दाने। स्प्लटर होते ही ऐड करना है हमें थोड़ा सा जीरा एंड साथ ही में थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है। चार मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने अनियन स्लाइस किए हैं और इनको भी ऐड कर दिया है। साथ ही में ऐड की है थोड़े से ग्रीन चिलीज अलॉन्ग विथ थोड़ा सा सॉल्ट। ऑल्सो गोज इन थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़े से प्याज भुन जाए ना या फिर हल्का से ये कैरामलाइज हो जाए तब तक हमें सेकना है। 3 से 4 मिनट में ये प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो थोड़े से ज़्यादा अनियन आप चॉप कर सकते हैं। एंड साथ ही में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर एंड 2 चम्मच यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक कि उसमें से एरोमेटिक फ्लेवर रिलीज होने लगे एंड अच्छे से खुशबू भी आने लगे। लास्टली हम गैस स्विच ऑफ करके डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे की एक लोई ली है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सफ़ेद तिल एंड थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लगा के इसे बेल लीजिए। इसे पलट लेना है हमें और जो अभी हमने मिक्सचर रेडी किया है ना इसको मैं इसे ट्रायंगल शेप में यहाँ पे लगा दे रही हूँ। वेल इफ़ यू विश आप इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तीनों साइड्स को फोल्ड कर लेना है एंड अच्छे से इसे सील कर लेना है सो दैट हमारा मिक्सचर बाहर ना रिलीज हो जाए। आप चाहें तो इसके साइड्स पे हल्का सा पानी लगा के सील कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम फ्लेम पे हमें घी या फिर ऑयल या फिर आप बटर से भी इसे सेक सकते हैं एज पर योर चॉइस। आज मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है न्यूट्रल फ्लेवर का। इसके साइड्स को इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से सब कुछ सेकने के बाद इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म एक कप चाय के साथ। बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और अगर आपके पास आटा रेडी है तो ये आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।